हाय दोस्तों, हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक हमारे स्टूडेंट ने कहा है कि सर कुछ मोटिवेशन शायरी भी बोला कीजिए। तो चलो आज से ये भी शुरू कर देते हैं। तो चलो आज का पहला जो शायरी है आपको मोटिवेशन करने के लिए, आपके ऊर्जा देने के लिए, और वे शायरी ये है कि यही हौसला रहा तो हर समस्या का हल भी निकलेगा, यही हौसला रहा तो हर मुश्किल का हल भी निकलेगा, आज नहीं तो कल भी निकलेगा, आज नहीं तो कल भी निकलेगा, मत हो मायूस न घबरा मेरे साथी, मत हो मायूस न घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पता होगा, वीडियो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको ये भी बता दिए हैं कि जल्द ही आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है एक टेलीग्राम ग्रुप पर। जल्द ही दो एक दिन में आपको ये जितने भी आज तक पढ़ाए हैं सभी वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा अभिकेंद्र बल या केंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल या केंद्रीय बल। तो अभिकेंद्र बल या केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स या सेंट्रिपेटल फोर्स। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे सेंट्रल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, क्या पढ़े थे केंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण में क्या पढ़े थे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो क्या होता है कि उस वस्तु या पिंड या कण, जो भी कह सकते हैं, तो उस पर क्या होता है कि एक त्वरण लगता है और त्वरण की दिशा सदैव किधर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होता है। अगर हम कहें ये भी वेग से घूम रहा है तो इस पर एक त्वरण लगता है, ये त्वरण, और ये त्वरण की दिशा किधर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। पर अगर आप न्यूटन का सेकेंड लॉ में जाएं तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हर एक त्वरण किसी न किसी बल के प्रभाव में उत्पन्न होता है। कोई भी त्वरण अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो किसी न किसी बल के प्रभाव के कारण उत्पन्न होगा, और इस त्वरण, इस बल की दिशा, ठीक है, इस बल की दिशा वही होगी जो उस त्वरण की दिशा होगी, ठीक है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ को अगर माना जाए तो हम कह सकते हैं कि उस हिसाब से जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमेगी तो क्या होगा, इसके हिसाब से तो वहां पर एक बल कार्य करेगा और वो बल की दिशा सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर होगी, और इसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स या सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। क्या बोले हैं एक बार पूरी बात फिर से सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि कोई वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर एक त्वरण लगता है, ठीक है, वहां पर उसकी त्वरण की दिशा सदैव इस वृत्त के केंद्र की ओर होती है। लेकिन अगर बात करें न्यूटन के सेकेंड लॉ का तो वो क्या कहता है कि हर एक त्वरण किसी न किसी बल के प्रभाव के, किसी न किसी बल के प्रभाव में उत्पन्न होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो यह त्वरण उत्पन्न हुआ है निश्चित रूप से किसी बल के प्रभाव में उत्पन्न हुआ है, और न्यूटन का सेकेंड नियम यह भी कहता है कि उस बल की दिशा वो उधर ही होती है जिधर की उस त्वरण की दिशा होती है। तो इसका मतलब जिधर ये त्वरण की दिशा है इसी दिशा में एक बल भी कार्य कर रहा होगा, ठीक है, और इसी बल को अभिकेंद्र बल या केंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है।
इस बल का कार्य क्या है? इस बल का कार्य ये है कि यही जो है लगातार इस वेग की गति दिशा को, ठीक है, इस वेग की गति को तो नहीं प्रभावित करता है लेकिन दिशा को लगातार बदलता रहता है, जिससे ये जो कण है ये सरल रेखा में न जा करके स्ट्रेट लाइन में मोशन न करके ये सर्कुलर मोशन करता रहता है, ठीक है। तो यही जो बल होता है उसी को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। यह बल उस वस्तु की चाल को बिना परिवर्तन किए उसकी वेग की दिशा लगातार बदलता रहता है, जिससे कि वह वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए विवश रहती है। जैसे ही यह बल हट जाएगा वह वस्तु सीधे सीधे स्पर्श रेखा के अनुदिश ही भाग जाएगी, यानी उसकी गति वृत्ताकार नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इसी बल को अभिकेंद्र बल या केंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रल फोर्स या सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि इस वस्तु का अगर द्रव्यमान यम हो, जो वस्तु घूम रहा है उसका द्रव्यमान यम हो, इस वृत्त जिस पर यह घूम रहा है इसकी त्रिज्या आर हो, अगर ये वी वेलोसिटी से घूम रहा हो, तो हम लोगों ने जानते हैं इसके पहले पढ़ लिया है कि इसका मान क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है किसका मान, एक्सेलरेशन का। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो यहाँ से हम कहेंगे कि न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान अगर यम है और त्वरण क्या है, ए है, तो यम और ए की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यम की वैल्यू आ जाएगी यम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। क्योंकि बल है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, बल है तो इसकी भी यूनिट न्यूटन ही होगी, इसकी भी यूनिट न्यूटन ही होगी, और बाकी डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा, डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा, क्या होगा, यम एल टी टू दी पावर माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल, ठीक है। अब आगे है अभिकेंद्र बल की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल की आवश्यकता, अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता। तो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता नीड्स ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स, नीड्स ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। तो अभिकेंद्र बल की क्या आवश्यकता होती है, तो अभी अभी जो भी विवरण आपने पढ़ा है इस विवरण से क्या पता चल रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसके लिए अति आवश्यक है कि कोई एक ऐसा बल चाहिए जो क्या करे, जिसकी दिशा उस वृत्त के केंद्र की ओर हो, और वह बल क्या करे, उस वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए विवश करे। मीन्स यूं कह सकते हैं कि उसकी जो दिशा है सदैव बदलती रहे, वेग में बिना परिवर्तन किए, यानी उसकी चाल में बिना परिवर्तन किए दिशा हमेशा बदलती रहे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु
वृत्ताकार पथ पर, गोलाकार पथ पर घूमेगी तो निश्चित रूप से उसे एक बल की आवश्यकता होगी। जो बल क्या करेगा, जो बल सदैव हर बिंदु पर क्या करेगा, उस वस्तु की चाल में बिना परिवर्तन किए दिशा को मोड़ता रहेगा, यानी दिशा बदलता रहेगा, जिससे क्या होगा कि वस्तु सीधी रेखा में न जा करके वृत्तीय रेखा में घूमने के लिए विवश होगी। और जैसे ही यह बल हट जाएगा, ये वस्तु सीधी रेखा में यानी उस वृत्त के स्पर्श रेखा में भाग जाएगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से इस वृत्त में घूम रहा है तो बल क्या करेगा, सदैव यहाँ पर है ये भाग, इसकी दिशा यहाँ है तो बल अंदर की ओर लगेगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा हमेशा बदलता रहेगा। ठीक है, ये इसके इसमें नहीं, लेकिन यहाँ पर हमेशा ये अंदर की ओर लगता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हर बिंदु पर ये बल जो है अब इसकी दिशा बदलता रहेगा। ठीक है, ये हर बिंदु पर इसकी दिशा बदलता रहेगा ये बल अब। ठीक है, लेकिन जैसे ही यह बल हट जाएगा, यह सीधे सीधे वस्तु भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु को वृत्ताकार घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसका नाम क्या है, अभिकेंद्र बल। यानी अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमता है तो। हाँ, ये हो सकता है कि ये अभिकेंद्र बल कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले अगर बात करें तो ये तनाव के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तनाव बल, ठीक, तनाव बल जिसको हम कह सकते हैं टेंशन, टेंशन फोर्स के रूप में हो सकता है तनाव बल। जैसे कि अगर बात करें कि कोई पत्थर को रस्सी में बांध कर घुमाया जाए, ठीक है, एक पत्थर को बांध करके ऐसे रस्सी में घुमाया जाए, ये मान लो पत्थर है जिसका द्रव्यमान m है, तो रस्सी में बांध करके घुमाया जाए तो ये रस्सी में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, ये रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा और यही तनाव बल जो होगा, यही तनाव जो होगा इस को घूमने के लिए, इस पत्थर को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देगा। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर जो तनाव बल है वो अभिकेंद्र बल का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो तनाव बल भी अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, पत्थर को बांध करके रस्सी में घुमा रहे हैं, तो जो डोरी में तनाव है वही अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा तनाव बल गुरुत्वाकर्षण बल भी हम कह सकते हैं कि ये भी जो है अभिकेंद्र बल प्रदान कर सकता है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या कर सकता है, ये भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम कह सकते हैं कि ये भी अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये सन है, ठीक है, तो अर्थ जो है सन के अराउंड में अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या है कि इसके चारों ओर गोल गोल घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है वो क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको चारों ओर घूमने के लिए, ठीक है, या गोल गोल या वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। कौन, ये जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी अभिकेंद्र बल के तरह से कार्य कर सकता है। इसी तरह से अगर बात करें घर्षण बल इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये जो घर्षण बल है या फ्रिक्शन फोर्स है ये भी गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करता है। जैसे कि साइकिल सवार साइकिल को मोड़ता है, गोलाकार पथ पर मोड़ लेता है, या कह सकते हैं कि मौत के कुएं पर भी आप देखते हैं लोग बाइक चलाते हैं,
ठीक है, तो उस समय जो मौत के कुएं की दीवार है और जो गाड़ी के पहिया है, ठीक है, या टायर है, उस टायर और दीवार के बीच जो घर्षण बल होता है, वो घर्षण बल वहां पर अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। या साइकिल सवार जब रास्ते पर मोड़ता है तो क्या करता है, वहां पर भी वो गोलाकार चाप बनाते हुए मोड़ता है, तो वहां पर जो साइकिल का टायर है और सड़क है उसके बीच कार्य करने वाला घर्षण बल ही आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि घर्षण बल भी क्या हो सकता है, अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक जो हम कह सकते हैं विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल या विद्युत चुम्बकीय बल को भी कह सकते हैं, विद्युत बल जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये भी, ठीक है, ये भी अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यहाँ बात करें ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो विद्युत आकर्षण बल रहता है, यही जो है ये बल जो होता है, यही बल इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब बल जो है, इसके अलावा भी अन्य बल भी, यहाँ पर चार बलों का हमने उदाहरण लेकर के दिखा दिया, ये बल क्या होते हैं, ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल का कार्य ये बल भी कर सकते हैं, या ये बल अभिकेंद्र बल के रूप में भी उपस्थित होते हैं अलग अलग स्थिति में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे अभिकेंद्र बल के क्या उदाहरण हैं, तो ये वीडियो आगे देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।